प्रिया हाँ जी पुत एक मिनट गल सुन के जा हाँ जी डैडी बैठ पुत हाँ जी डैडी पुत मैं तो ये पूछता सीगा तेरे पेपर किन्ने करे गए आज लास्ट पेपर है डैडी चल ठीक है फिर पुत तेरी बीए क्लियर हो जानी है ना हाँ जी मैं पुत तेनू इस गल कर बुलाया तेरे फुफड़ जी ने किन्ने दिनों तों खेड़े पे हुए ने तेरे रिश्ते वास्ते उन्होंने एक चंगे घर का मुंडा देखा है नौकरी लगे हुआ है पुत डैडी मैं तुम्हें पहला भी कहा सी भी मैं इन्नी छेती ब्याह नहीं करवाना ओए पुत गल सुन एक ना एक दिन ब्याह तो कराना ही है नाले मेरा बोझ हौला हो जाए पुत पर डैडी तुसी कल्ले किवें रहोगे जे मेरा ब्याह हो गया ओए पुत मेरी फिक्र ना कर कोई गल नहीं मैं तो रह लूंगा धियां नाले पुत कौन रख सकता घरे एक ना एक दिन ब्याह ही है चलो कोई गल नहीं मैं थोड़े ना आके गल कर दिया हूँ मैं लेट हो ही जाऊँगी चल ठीक है ध्यान ना जाई देखना पेपर वधिया करके ही ठीक है हाँ जी ठीक है पता कमली कहती मैं कला किवें रहूँगा मैं तो कला रहने एक दिन इनू किवें रख लूँगा अपने लवे एक दिन ब्याह के तोर रही हाँ पेपर का गलता खत्म होया ये पता नहीं कितने रह गई प्रिया कितने रह गई सी तू इत्थी सी पेपर किवें तेरा मेरा वधिया होया तू दस तेरा किदा होया मेरा भी वधिया होया बस थोड़े लास्ट वाले क्वेश्चन जे रह गए एक दो चल अपने पेपर तो क्लियर हो चुके हैं हूँ रिजल्ट भी छेती आ जाना हूँ मैं घरे छेती छेती ब्याह की गल कर ला प्रिया एडी छेती ब्याह की गल अज का पेपर खत्म होया अपने रोज आले एक दो साल होर यार की एक दो साल होर कुछ प्रिया समझे कर यार मेरी गल सुनो तेरे घर दे कहणगे मुंडा करदा की है कोई जवाब है तेरे को मैं ट्राई कर रहा जॉब वास्ते नहीं मेरे डैडी ने सच्ची च बहुत वधिया ने जे मैं उन्होंने गल करूंगी ना उन्होंने मान जाना प्रिया ऐ नहीं मानते होंगे घर के अगले ने पहला देखना ही मुंडा की करता है तेरे वास्ते तो कर रहे सारा कुछ कोई नहीं जल्दी मैं जॉब मिल जूगी हूँ बट की बट यार मैं गल करूंगी घरे नाले तो उन्होंने पता घरे ने डैडी को फुफड़ जी का फोन आता रहा रोज तो वो मेरे लिए रिश्ते दस पा रहे अच्छा यार रिश्ते की गल ही चल रही है होया तो नहीं रिश्ता भी हो जाओ तो बाद ब्याह भी हो जाना प्रिया ना बोल यार तेरे बिना मैं नहीं रह सकता तेन पता ना तो फिर क्यों नहीं गल कर दिता तू थोड़ा टाइम होर चाहिए ना मैं समझे करना इस गल क्यों मैं क्या समझा तू नहीं समझ सकता प्रिया यार गुस्सा ना कर ब्याह ना कोई छोटी मोटी गल नहीं होंगी सिर जिंदगी का सवाल होंगे तेन खुश भी तो रखना सारी उम्र तो मैं जॉब चाहिए है ठीक है तू तो जॉब ही लभ ला हूँ प्रिया मेरी गल सुन यार तू खिजी खिजी क्यों रही सारा दिन हूँ मैं की सुना दस मैं सारा मूड खराब करता ना मेरा तू अपना मूड ठीक कर चल तेरी आही जिदा ना कर ला गल करे कोई नहीं खुश है हूँ पक्का हाँ मैं अज ही गल करूंगी फिर डैडी नाल ठीक है नाले मैं तेनू कॉल करूंगी कॉल चक ली मेरी ठीक है चल चलिए ओके बाय ठीक तेरा ना जाई की करा यार वाली जो दिख रही चल शुक्र है आज अपना पेपर बढ़िया होया हुन पता नहीं कदों मिलेंगे रिजल्ट भी ऑनलाइन ही आ जाना मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे नाले तू मैनू ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜੇ ਠੀਕ ਚੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਆ ਪਤਾ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਡੈਡੀ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਐਤ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ तेरे जान तो बाद ना तेरे फुफड़ जी का फोन आया सीगा वह कहते दसो फिर की सलाह करी है डैडी आज तक तुसी मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी की थी एक ही गल भी मान लो मेरी प्लीज की दस पता डैडी मेरे नाल ना एक कॉलेज च मुंडा पढ़ता है तो असं एक दूजे नूं पसंद करते हैं तो असं ब्याह बारे सोच रहे सी पुत्ता जे बीए कर रहे देखो अगे नौकरी भी उही मिल जांदी कितें की तैनूं खवाऊगा की दस पुत्ता तैनूं दऊगा मैं तेन किमें चौला डर पा लिया पता तू आप ही सोच उद ब्याह कराएंगे तू पर डैडी तुसी एक बार मिलकर गल तो करो पुत मेरी गल सुन जेडे तेरे फुफड़ जी ने मुंडा देखे सरकारी नौकरी लगे पुत सेटा तू मेरी गल क्यों नहीं मानती हैगी डैडी बस एक बार तुसी उहदे नाल गल कर लो जे तुहानू मुंडा सही नहीं लग्या मैं पक्का तुहाडे कहते ब्याह करवावांगी किथे रहिंदा पुत डैडी वह तो फतेहगढ़ ही रहिंदा जदों आपां बस स्टैंड नूं जांदे आ ना खेतां वाली साइड जिहड़ा पहला घर है ना वह उहनां दा ही आ चल ठीक है पुत तू ऐ कर उन्हूं शाम नूं बुला इत्थे मैं उन्हूं कह डैडी ने मिलना मैं हाँ जी डैडी कोई गल नहीं मैं उन्हूं शाम नूं बुला लांगी चल ठीक है पुत्त नाले गल सुन तू अपना रोटी रूटी खा ला
मैं जरा कम जाके आना, 4 बजे तक आ जाओ तुम। हैं हाँ जी ठीक है। प्रिया पता की करी जाता मेरा पता? कुछ नहीं डैडी, बस आई ये चाय बना के लेके आवा। ना ना पता ठहर के पीऊंगा मैं। अच्छा चल कोई ना, संजय भी ओना लई होगा, इकट्ठे पी लियो तुसी। हां चलो की कहंदा आ रहे हैं? हां जी बस थोड़े टाइम च आ रहे हैं। चल चल वधिया वधिया पता। ते होर की गल हो गई सारी तेरे नाल? हां जी गल तो हो गई, कहंदा बस थोड़े टाइम च आ जाना। ठीक है पता, चल जदों आऊगा ओदी चाय बना लांगे। हां हां जी ऐ कर फोन लग देगा। हाँ जी डैडी। डैडी फोन नहीं लग रहा। लग नहीं रहा वो तो चक नहीं रहा। डैडी फोन नहीं चक रहा हो। चल कोई गल नहीं पुत्र। डैडी फोन नहीं चक रहा हूँ। चल कोई गल नहीं पता, आप होर उड़ीक लेने हैं। पता प्रिया कितना टाइम हो गया उन्होंने अपन उड़ीक दिया ना, मैनू नहीं लगता हूँ वो आऊगा। हाँ जी डैडी अद्धा का घंटा और वेट कर लेने। पुत तो टाइम खराब करने का काम आ, जे आना होंदा उन्हें कदों का आ जाता। मेरी सुन गल बैठ, देख मैं तेरी ना हर जिद पकाई है, पर पुत अज तू बेकार ही कर रही है। मैं तेरे राजी हो गया सी हूँ भी उधर मुंडे नाल विआह करने वास्ते तेरा, पर हूँ आई नहीं, इस मेरा की कसूर तू दसा। फिर गल सुन मेरी, हूँ तू तेन गल ना मेरी मनी पैनी है। तेरे फुफड़ जने का जोड़ा रिश्ता देखा पुत, सरकारी नौकरी लग गया पुत, तेन होर की चाहिए पुत। डैडी बस मैं कल कल का दिन और दे दो, मैं कल एक बार वो मिल के गल करनी है कॉलेज। चल ठीक है मैं तेरी गल मानता है, मैं तेन कल का टाइम होर दे दिना, तू मिलना उन्होंने मिल के पुछ के भी क्यों नहीं आएगा की गल है की नहीं, नहीं फिर जरा तेरे फुफड़ जने रिश्ता देखा उत्थे विआह करवा ली। हाँ जी डैडी जिवें तुसीं कहोगे ना मैं उवें करूँगी, बस एक दिन की होर वेट कर लो। चल ठीक है फिर चाह चू बना ला तो पीए, वो तो आया ही नहीं है। ठीक है बैठो तुसीं मैं चाह लैनी आ। हाँ विक्की भी यार परसों असाइनमेंट दे के तो गया मैं। हाँ तू दीपक नूं पुछियो ना। हाँ हाँ चल मैं तेनूं एक मिनट बैक कॉल कर देंगा भाई। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪ੍ਰਿਆ? ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਸੰਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ? ਸੰਜੇ ਯਾਰ ਨਾ, ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੈਠਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਪਸੈਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵਾਸਤਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਵਿਚ ਆਫ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਿਆ ਪੁੱਤ
बस एवं डैडी पता नहीं लगे कदों अख लग गई हाँ जी डैडी मिले संजय नहीं डैडी संजय तो नहीं मिले पर तो दोस्त मिले से मैनू उन्हें भी फोन ट्राई किया फोन स्विच ऑफ आ रहा उहदा चल कोई गल नहीं पता आपां किसे दिन होर देख लैने नहीं डैडी होर वेट नहीं कर सकती मैं जिते उपर च कह रहे हैं ना तुसी ओही रिश्ता कह दो वो तो एडा वड्डा धोखेबाज निकलिया उन्हें परसों का फोन नहीं चक्या हुण की चक्कूगा तो मैं तेन तेरे ना चंगे बारी कहना सी चल कोई गल हुण भी कुछ नहीं बिगड़े डुले बेरा का कोई गल नहीं पुत तेरे फुफड़ का मैं गल करदा चंगे घर का मुंडा पुत सरकारी नौकरी गया तू मौजा मर गया ऐश करेगी पुत खुश हाँ फिर तो पुत हाँ जी मैनू माफ़ कर दो डैडी मैं बहुत वड्डी गलती करन चली सी कोई गल नहीं पुत कुछ नहीं होगा मैं तेरे फुफड़ गल करदा हाँ तू कर तैयारी ब्याह की है हाँ जी प्रिया तू खुश तो है ना इस ब्याह तो हाँ जी हाँ जी मैं बहुत खुश हाँ वैसे थोड़ी फैमिली च और कौन है यार दसे तो सी भरा ते भरजाई ने वो फॉरन गए हुए ने उत्थी सेट ने तुसी फिर इत्थे कल्ले ही रहने हो यार पहले तो मैं कल्ले ही रहंदा सी पर हुण आपां दो हो गए नहीं मेरा मतलब तुसी नहीं सोचा कदे फॉरन जाण बारे यार जाण दा तां पहलां मैं भी सोचा सी भरा ते भरजाई भी कहंदे सी वी तू इत्थे आ जा पर उस वक्त मैनूं जॉब मिल गई तां करके फिर मेरा जाण दा बणिया नहीं सोचदे आं पर आपां जावांगे जरूर घूम के आवांगे ठीक है हाँ जी पर कदों जावांगे अगले महीने ना छुट्टियां होणगियां आपां नूं उदों चलांगे ठीक है सचिन मैं ना तुहानूं इक्का कहिंदा सीगा भी मेरी ना ड्यूटी दूर होण करके मैनूं सुबह जल्दी जाना पैंदा ते मैं शाम नूं भी लेट हो जांदा इस करके मैनूं सुबह थोड़ा जल्दी उठना पऊगा ते मैनूं लगदा भी तूं भी घरे इकल्ली बोर होया करेंगी यार नहीं नहीं बोर वाली की गल आ मैं उत्थे भी तो इकल्ली रहिंदी सीगी नाले हुण तां मैनूं आदत पई हुई आ नाले तुसीं घर दी ते सारी टेंशन लैणी छड्ड दो हुण मैं आ गई आ यार मैनूं तेरे तों ना इही उम्मीद सी तेरे होंदे हुण मैनूं की टेंशन आ पर फिर भी ध्यान रखना तू घरे कल्ली होया करेंगी दरवाजा दरवूजा पुछ के खोल लिया करेंगी नहीं कोई ना तुसी टेंशन ना लो नाले हुण सारे घर दी जिम्मेवारी मेरी आ तुसी बस काम वल ध्यान दो ठीक है भैया नाले यार हुण ना रात ज्यादा होगी रेस्ट करदे मैं सुबह जल्दी फिर जाना ठीक है ओके मैं लाइट ऑफ करदा प्रिया पाती रोटी मेरी हाँ जी रोटी तो बनाती है मैंने तो अजे कि तू उठनी नहीं यार तू तो छेती उठ गई चाह फड़ा दे हुण मैनू नहीं कोई गल नहीं मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी रीझ नाल निभाऊंगी ठीक है मैंने मेरी गल सुन ख्याल रखी ठीक है करदा नाले आपका बाकी जो कोई दिक्कत हुई तो मैंने फोन कर दी ते नाले जो कोई यार किचन का समान लेके आना होया मैं माड़ा वट्सअप पर भेज दी मैं ले आऊँगा पहले तो मेरे ध्यान च रहा नहीं सी पर हुण तू आ गई ना हुण तू ध्यान रखेंगी इन्हां चीज़ों का ठीक है चल मैं चलदा हुण ठीक है चंगे तो भी बहुत आ की फायदा एड्डी वड्डी कोठी का जेकर संजय होंदा ना मैं तो कच्चे घर च भी रह लैना सी पर पता नहीं क्यों उन्हें इदा क्यों किया मेरे नाल कदे सोचा नहीं सी मैं कि संजय मेरे नाल धोखा कर सकदा प्रिया आ गया मैं यार तू ना सच्ची बहुत सैनी आ गेट बंद कर रखा सी ना चल आ जा प्रिया नहीं तो जिहड़ा जिहड़ा समान आखिया सी वो सारा समान लैके आया तेरे तेरे वास्ते गिफ्ट लैके आया आ ले प्रिया रख दी इन्हां नूं थैंक यू सो मच थैंक यू तां कोई गल नहीं यार ये तो मेरा फर्ज सीगा नाले तुसीं अजे छेती आ गए तुसीं तां कह रहे सी 8 बजे आउणा यार मैं सर नूं कहता सी वी मेरी नवीं नवीं मैरिज होई आ ते मैनूं थोड़ा जल्दी चल जाण दो सर कहिंदे कोई गल नहीं तू जा सकदा ठीक है प्रिया मैं चेंज कर लां ते तू भी कर ले कम ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ ਚਾਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਕਚੁਲੀ ਨਾ ਸਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆ ਪੇਪਰ ਵਰਕ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਆ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ
नहीं नहीं कोई ना डैडी को लेके जाना मैं घर भी तो वेखना है ना पर यार कल्ले करे जी लग जूगा कोई ना ते मैं इदा कह रही सी वैसे भी मैं सारा दिन घरे बोर ही होने रहनी हाँ ते जेकर मैं एडमिशन करवा लवा फिर तो पढ़ाई कंटिन्यू कर लवा जे प्रिया तेनों लगता भी तेरे नाल स्टडी हो जू कम दे नाल नाल तो मैनू तो की प्रॉब्लम है कर सकदी हां मैं ना अज कल ही फ्रेंड नूं फोन कीता सीगा ते ओह कह रही है कि अज दी लास्ट डेट आ एडमिशन दी फिर किवें करना तुसी मेरे नाल चलो ना यार मेरे को टाइम ही नहीं है तेनू पता मैं तो जाना यार एक कम करी अपना फतेहगढ़ जाए कैफे हैगा उत्थे उत्थे जाके तुसी बेशक मैनू जानदा मुंडा मेरा नाम लै दी ते जे किसे पैसे टके दी लोड़ हुई तो उत्थों लै जाओ पर्स चक के ठीक है स्कूटी खड़ी है जाके करवायो ऑनलाइन ही होगा हाँ उत्थे जाके तुसी करवायो मेरा नाम लै दो मुंडा जानदा मैनू हाँ ते ध्यान नाल जाई ठीक है बाकी जे किसी चीज़ की लोड़ हुई तो मैनू फोन कर दियो एक्सक्यूज मी हाँ जी दसो एमए दी रजिस्ट्रेशन करवानी सी हाँ जी बैठो दो मिनट थोड़ा काम कर रहा कर दो थोड़ा काम नहीं ओके ले आओ थोड़े कागज दो हाँ जी आ लो संजय तू दसो की करवाना तुसी ऐदा इग्नोर करन नाल नहीं काम चलना तू मैनू गल दा जवाब तो दे तू उस दिन क्यों छड़ के गया सी मैनू प्रिया मेरे को तेरे किसी गल दा जवाब नहीं है चंगी रहेगी मेरे तो कुछ ना ही पुछ तू दस मैनू गलती की दी सी प्रिया हुण इन्हां गल्लां दा कोई फायदा नहीं मैनू पता तेरे बारे जिथे तेरा विआह है बहुत चंगा मुंडा तू खुश भी है हाँ बहुत खुश हाँ मैं बट तेनू इन्ना पता उस दिन मैं डैडी ने तेरी किन्नी वेट की तू एक कॉल भी नहीं चकी तो ना तू घर आया तो उस तो बाद अज तक तेरा कोई रिप्लाई नहीं आया मैनू गल तो दस होया की सी प्रिया तेनू गल कहाँ कुछ गल योजना आदि ने जिन्हें दोबारा आप रिपीट ना करिए तो चंगे रहा कोई फायदा नहीं गलत आ तू दस कम किए तेन संजय की हो जाऊ हूं जे तू मैनू गल दस देगा प्रिया तेरा कोई कसूर नहीं ते ना ही कसूर तेरे डैडी का सारा कसूर तो बस मेरा है मैं ही गलत सी माफ कर दी मैंने जो हो सके माफ तो तेन उस दिन ही करता सी जिस दिन मैं किसी होर हाँ की सी विआह ली प्रिया जो तू आ गल्ला डैडी ना कर दी ना तो शायद तेन हकीकत पता लग जाए की मतलब डैडी ने तो अज तक तेन वेख्या भी नहीं प्रिया वेख्या नहीं ना पर सब कहानी के पिछे तेरे डैडी दी हाथ है की की बोल रहे हैं तू मैं पता ही तेन यकीन नहीं आना पर मैं सच बोल रहा तेन मैं दस दस सारी गल जिस दिन तू मैं घर बुलाया से ना उस दिन तो डैडी मैंने मिलना आए घर तो उन्होंने आही दस हाँ जी काका तू ही पढ़ता कॉलेज प्रिया ना हाँ जी हाँ जी तुसी कौन मैं प्रिया का डैडी हाँ अच्छा अच्छा जी आ जाओ अंदर आ जाओ हाँ जी आ जाओ अंकल जी आ जाओ अंदर आ जाओ ना ना बस ऐसे ही ठीक है होर मैंने कितने कितनी मैं लेके जाएंगे तुम अचानक किवें आना होया जी प्रिया ने दस्सिया नहीं मैंने इस बारे काका अचानक तो आना पै जांदा है प्यार करता प्रिया नूं हाँ जी आ घर तेरा है इस तरह मेरी धी तू पता किन्ने चौल अडाना पाले मैं उदी हर ख्वाहिश पूरी करदा पिछे उदी ख्वाहिश पूरी नहीं होनी हैगी अंकल जी इक टाइम दी रोटी भी नहीं खा सकेंगे तूं मैं जॉब दी ट्राई कर रहा जी मैनूं जॉब मिल जाणी है मैं खुश रखूंगा प्रिया नूं जॉब धरियां पईआं ने उहीं मिल जांदियां ने इत्थों पढ़े लिखे बहुत फिरदे ने हुण भी बेरोजगार फिरदे ने पर पुत मेरी गल सुन जिन्हों प्यार ही करता उधर ही रिश्ता है बहुत वधिया मुंडा सरकारी नौकरी लग्या होया जे उहदी खुशी चानना तां उहनूं छड्ड दे यार नहीं अंकल जी मैं प्रिया नूं छड्ड नहीं सकदा नाले जे गल प्रिया आपदे मूंह कहे तां मैं यकीन कर सकदा तुहाडी गल दा कीवें यकीन करां मैं मेरी गल दा यकीन नहीं करेगा वह क्यों कहूगी मैनूं पता मेरी कुड़ी बहुत जिद्दी आ उहने नहीं मन्ना मेरी गल
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾਂ ਵਿਆਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੱਥ ਜੋੜੋਗੇ ਹੱਥ ਜੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਰਾਮ ਉਹੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵਾਪ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਪੁੱਤਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਿਆ ਬਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਚੱਕਿਆ ਚੱਲ ਛੱਡ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸੌਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਸੱਚ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਜੇ ਪੁੱਤ ਹੈਪੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੈਪੀ ਜੌਬ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਛੱਡੋ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ ਕਰੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪ੍ਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਆ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਪੁੱਛੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਡੈਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਊਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਪਰ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਡੈਡੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤ ਸਮਝੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਪ੍ਰੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੰਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ
जो भी माँ प्यो करते हैं ना बच्चों लिए सही वो करते हैं। शायद इन्हों की गल सच्ची भी है, की पता मैं कोई कम करता भी है ना। चल अज रोटी बनने जोगा होया, मेहनत करके सब कुछ हो गया, पर इन्हों की भी कोई गलती नहीं, इन्होंने सही ही सोचा तेरे बारे। कोई गल नहीं, गलतियाँ हो जाए। चंगा प्रिया, चंगा अंकल जी। ठीक है भैया, मैं चलना। पुत्र तू मैनू इन्ना माड़ा समझ ले डैडी कि मैं तेरे बारे माड़ा नहीं समझा। नहीं डैडी तुसी गलत सोची जाने हो, मैं थोनू क्यों माड़ा समझना। मेरी धी है पुत्र, दोस्त तेन चौल अड्डा पाल लिया पुत्र, मुंडे वांगू तेरी तेन सुखी देखने वास्ते सब कुछ किया। मैं हो सके मैं माफ कर दी पुत्र। नहीं डैडी, जो मेरी किस्मत होना सी वो तो हो गया, हम अपना किसी का कसूर नहीं है। सब खुश रहे पुत्र, ठीक है।